हड़ताल कर रखी है आपने? अभी जो ये राष्ट्र स्तरीय हड़ताल है जी, नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के विरोध में है। इसकी जो जितने भी प्रावधान हैं वो एंटी डेमोक्रेटिक हैं, एंटी फेडरल हैं, एंटी पुअर हैं, एंटी रिजर्वेशन हैं, एंटी ह्यूमन बींग्स हैं और एंटी जो हमारे छोटे नर्सिंग होम्स हैं उनके लिए हक में नहीं है। सरकार की पॉलिसी जो है वो बड़े जो मेडिकल कॉलेज हैं, बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल हैं, उनको फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं। और सारा जो इससे संबंधित जितना भी डिसीजन मेकिंग है, पावर्स हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स से लेकर सारी अपने हाथ में रखना चाहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट्री एक एडवाइजरी कमेटी बनाई थी इसके लिए, जिसके 24 सुझाव थे इसमें संशोधन के हिसाब से, जिनमें से सिर्फ एक सुझाव गवर्नमेंट ने माना है, बाकी 3 सुझावों को आंशिक रूप से माना है। इस कमेटी में आधे से अधिक मेंबर बीजेपी के ही थे, लेकिन उनके सुझावों को भी नहीं माना गया। इससे ये वो होता है, साबित होता है कि गवर्नमेंट एक प्री डिटरमाइंड पूर्व निश्चित माइंड के साथ प्रेम का काम कर रही है और उसका मकसद सिर्फ सारे इंडिया के मेडिकल सिस्टम को सेंट्रलाइज करके अपने कंट्रोल में करने का है।